स्क्रीनशॉट को विजुलाइज करना है कि किस तरीके से टैबलू काम करता है, ठीक है, और किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स हम इसमें बना सकते हैं। हम टैबलू को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके इन स्क्रीनशॉट्स को फॉलो करते हुए टैबलू का विजुलाइजेशन देखेंगे और टैबलू के बारे में समझेंगे कि टैबलू किस तरीके से काम करता है। सो जब आप टैबलू को ओपन करेंगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड पैनल पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के कनेक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कहाँ कहाँ से हम कनेक्शंस बना सकते हैं। लाइक वी कैन मेक कनेक्शन थ्रू माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल सर्वर एज वेल, ओरेकल एज वेल, फाइन, पीडीएफ फाइल, जेसन फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सेल फाइल, सीएसबी फाइल, इन सारी फाइल से हम कनेक्शन बना सकते हैं एंड टैबलू पे डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। सो टैबलू इज अ सॉफ्टवेयर फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है। सो फर्स्ट स्टेप इन टैबलू व्हेन यू वांट टू विजुअलाइज योर डेटा सेट इज टू गो टू फाइल एंड देन ओपन एनी सीएसबी फाइल। ओपन सीएसबी फाइल दैट इज ट्रेन डेटा डॉट सीएसबी, दिस इज ट्रेनिंग डेटा, 59 KB का है, मैं उस पर डबल क्लिक कर दूंगा। सो फर्स्ट स्टेप इज इन टैबलू इज टू लोड डेटा सेट, डेटा सेट को लोड करना है। विवेक, जब भी हम कोई डेटा, सीएसबी फाइल, जेसन फाइल, MySQL डेटा सोर्स, कोई भी डेटा जब हम टैबलू में लोड करते हैं, सो हमें यहाँ पे एक डेटा सोर्स मिलता है। डेटा सोर्स इज नथिंग बट इट इज योर डेटा, ट्रेनिंग डॉट सीएसबी, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उसको आप यहाँ पे देख सकते हो और क्या विजुलाइज कर बोला सकते ऑप्शन? हो कि कौन कौन से कॉलम्स हैं इसके अंदर। सो ये देख सकते, ये टाइटैनिक का डेटा सेट हमने इसमें लोड कर दिया है जिसमें पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड कॉलम है, पैसेंजर क्लास है, नेम है, जेंडर है, एज है, ठीक है, सेम जो मशीन लर्निंग में हमने डेटा यूज किया था सेम डेटा है। जी तो विवेक कंटिन्यू करें, हाँ जी ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डेटा सोर्स बना सकते हो और आपका जो डेटा होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, उसमें जितने भी कॉलम्स होंगे उसे आप विजुलाइज कर सकते हो। जब आप शीट वन में जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंटरफेस है जहाँ पे आपके ग्राफ्स शो होते हैं एंड यू हैव डेटा टैब जिसके अंदर दो फील्ड आते हैं, एक डायमेंशंस, दूसरा मेजर। डायमेंशंस आपके कैटेगरिकल कॉलम होते हैं, मेजर्स आपके न्यूमेरिकल कॉलम होते हैं, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वॉन्ट। तो ये ऑटोमेटिकली आपके डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, डायमेंशंस में एंड मेजर्स में। तो जितने भी कैटेगरिकल कॉलम थे वो डायमेंशन में चले जाएंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स थे वो आपके मेजर्स में चले जाएंगे। ओके उसके बाद विवेक क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जिसको वो मेजर में ले लेता है बट एक्चुअली में वो कैटेगरिकल कॉलम होते हैं, जैसे कि सर्वाइव्ड, ठीक है, जो सर्वाइव्ड हुआ था या नहीं हुआ था ये तो आपका कैटेगरिकल फीचर होगा, ये न्यूमेरिकल फीचर नहीं है, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल फीचर इनटू कैटेगरिकल फीचर, राइट क्लिक ऑन मेजर सर्वाइव्ड एंड देन कन्वर्ट टू डायमेंशन, ओके। तो हाँ कन्वर्ट टू डायमेंशन से क्या होगा कि वो आपका न्यूमेरिकल कॉलम को ऑटोमेटिकली कैटेगरिकल कॉलम बना देगा। टेक स्क्रीनशॉट, हाँ जी ले लिया। ओके। सो देखो सर्वाइव्ड कॉलम ऑटोमेटिकली डायमेंशन में जा चुका है, क्लियर। नेक्स्ट इज, आप अगर एज के डेटा सेट को देखोगे तो एज के में, एज डेटा सेट में अगर मैं सोर्स में जाऊं डेटा सोर्स में, तो एज में आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एज आ रही है और कहीं कहीं पे नल वैल्यूज भी है, राइट, यस और नो, ठीक है। तो टैबलू हमें एक और फीचर देता है कि हम किसी भी कॉलम को बिन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। कैसे करना है बिन्स में कन्वर्ट? सो एज पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट में जाना है एंड देन बिन्स में जाना। बिन्स मतलब हम डेटा को ग्रुप करने वाले हैं, डेटा की ग्रुपिंग होगी अकॉर्डिंग टू बिन्स, ओके। सो कितने कितने के गैप पे आप एज का ग्रुप बनाना चाहते हो, ठीक है, एंड आपके कॉलम का नाम क्या रहेगा। सो राइट नाउ आई एम मेकिंग माई कॉलम नेम इज एज बिन एंड दिस इज द साइज ऑफ बिन, कि कितने कितने के गैप पे आप एज को डिवाइड करना चाहते हो। सो यू कैन मेक इट 10 और जो भी आप साइज देना चाहो। लेट अस से मैंने इसको 10 दे दिया, एक बिन का साइज, और ओके बटन पे क्लिक किया तो आपका एक नया डायमेंशन रेडी हो जाएगा, दैट इज एज बिन। जब भी हम किसी न्यूमेरिकल कॉलम को ग्रुप करते हैं, ठीक है, बिन्स के अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली वो एज अ कैटेगरी ट्रीट होगा, यस और नो। हाँ जैसे कि 5 to 10 एज, 10 to 20 एज, 20 to 30 एज, ये कैटेगरी बन गई ना, ठीक है।
तो कभी भी हम किसी अगर न्यूमेरिकल फीचर को ग्रुप करते हैं या उसके बिन्स क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली टैबलू उसे डायमेंशंस में पेस्ट कर देता है या डायमेंशन में ले जाता है. दिस इज द वे वी कैन कन्वर्ट एनी न्यूमेरिकल कॉलम इनटू डायमेंशन एंड क्रिएट बिन्स फॉर एनी न्यूमेरिकल कॉलम इन टैबलू. डन. नाउ यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एज बिन इनटू कॉलम दिस वे. इस तरीके से सारी आपकी एजेस डिस्प्ले हो जाएंगी शीट वन पे. एंड if you want to see how many number of records are there in a particular age, just click some number of record in rows, so you will get this graph automatically. aisa graph aa gaya na. theek hai. डन. और अगर आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड को एक और बार यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो सेम ग्राफ दो बार आ जाएगा दिस वे. तो अभी हमने डायमेंशन वाले टैब को देखा, मेजर्स को देखा. नाउ वी आर कमिंग टू फिल्टर एंड कलर एंड टूल टिप. ठीक है. तो अगर आप फिल्टर करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि एज विन को फिल्टर में रख सकते हो. और फिल्टर करने के बाद if you want to remove null value just uncheck null, apply and okay. so you can see there is no null value right now. this is the way you can filter any column. to hamara graph age se bana tha. theek hai. x axis pe hamara age tha, y axis pe hamara number of records the ki kis age ke kitne number of records hain. jaise ki aap dekh sakte ho ki jo 20 wala group hai usme jo hai value zyada hai. to we can see distribution of data this way on x axis and y axis in tableau. should I repeat this task again? to maine control z kar diya hai. abhi aap dekh sakte ho ki null values ka record bhi aa raha hai. then drag and drop age into filter. okay. and automatically ek option aayega null values remove karne ka. just uncheck on null values. this is the way you can filter any record. kisi bhi record ko aap filter kar sakte ho. haan ji. ठीक है. आपको अभी हमारे दो ग्राफ्स हैं. ये टैब है ऑल, मतलब सारे ग्राफ पे कुछ जो अप्लाई करना चाहते हो आप. दिस टैब इज फॉर ग्राफ नंबर वन. ठीक है. अपर ग्राफ. दिस इज फॉर लोअर ग्राफ, ग्राफ टू. लेट अस से मैं काउंट को सारे ग्राफ्स पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा सबसे पहले. एंड सम नंबर ऑफ रिकॉर्ड को अगर मैं लेबल पे ले जाऊंगा तो दोनों पे काउंट डिस्प्ले हो जाएगा. so this is the way we can display numbers at the top of bar chart. okay. so अभी बता रहा है कि कितने number of records. तो सबसे maximum जो group है वो आप देख सकते हो 20 पे 220 दिखा रहा है. तो age bin 20 पे number of record is 220. same आप different colors भी ले सकते हो. जैसे कि आप देख सकते हो कि survived एक categorical column है तो survived को अगर आप color column पे लगा दोगे तो सर्वाइव्ड और नॉट सर्वाइव्ड डेटा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. कितने लोग सर्वाइव्ड हुए थे और कितने लोग सर्वाइव नहीं हुए थे जिनका एज ग्रुप 20 था. तो आप देख सकते हो 20 एज ग्रुप के जो पीपल है उसमें 77 लोग सर्वाइव्ड हो गए थे, 143 एक्सपायर हो गए थे राइट, जब टाइटैनिक का जहाज डूब गया था. सो दिस इज द वे वी कैन परफॉर्म एनालिटिक्स एंड क्रिएट विजुअलाइजेशन फॉर एनी डेटा सेट. अभी देखो मैं सेम ग्राफ एक और बार बनाने वाला हूँ. ठीक है. तो मैंने एक नया शीट ले लिया. दिस इज द वे यू कैन क्रिएट अ न्यू शीट. सो वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट शीट जस्ट लाइक इन एक्सेल. जैसे कि हम एक्सेल में न्यू शीट बना सकते हैं ऐसे टैबलू में भी नया शीट बना सकते हैं. अगेन मैं एज बिन को कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ. नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा. अगेन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रोज में ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा. एज बिन को फिल्टर में रख दूंगा. नल वैल्यूज को रिमूव कर दूंगा. ठीक है. एंड अभी मुझे सारे ग्राफ पे काउंटिंग लगानी है नंबर ऑफ रिकॉर्ड की. तो मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड को लेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो काउंटिंग आ जाएगा. अब अगर आप जेंडर के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डेटा को डिवाइड करना चाहते हो तो अभी पता लग जाएगा आपको कि मेल 148 डेथ रेट था उनका काउंट और जो फीमेल डेथ था वो 72 था जब एज ग्रुप उसका 20 था. अभी मैंने कलर पे मैंने सर्वाइव नहीं लिया है, कलर पे मैंने जेंडर ले लिया था. एंड दिस शीट इज सर्वाइव्ड यस और नो, जस्ट सर्वाइव्ड.
तो चलो डेटा सोर्स में जाते हैं और देखते हैं केविन कॉलम में किस तरीके का डेटा। केविन में ये डेटा है, जेंडर है, पैसेंजर है, ठीक है। पैसेंजर क्लास, हाउ मेनी पैसेंजर क्लासेस आर देयर? टोटल 3 क्लासेस आर देयर, 1, 2 एंड 3, राइट। ठीक है, वापस से आते हैं अपनी शीट पे एंड पैसेंजर क्लास को सर्च करो। पैसेंजर क्लास न्यूमेरिकल फीचर है कि कैटेगरिकल फीचर है? वो मेडिकल न्यूमेरिकल फीचर है ना। तो है। एक नया नया शीट लेते हैं, फिर से एक बार एज को कॉलम पे ड्रॉप करते हैं एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रोज पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड को रोज पे एक बार फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। फिल्टर हमने एज बिन का किया था, नल वैल्यूज को हमने रिमूव कर दिया था, राइट। एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड को हमने लेबल में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया था तो काउंट आ गया था, राइट। अब देखो ये तो हमारा पैसेंजर का क्लास न्यूमेरिकल कॉलम है, तो क्या इसे न्यूमेरिकल कॉलम होना चाहिए या कैटेगरिकल कॉलम होना चाहिए? विवेक, क्लास कैटेगरी होगी। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट टू डायमेंशन कर देंगे तो पैसेंजर क्लास आ जाएगा। पैसेंजर क्लास को कलर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो टोटल 3 क्लासेस आर देयर। क्लास नंबर 3 में कितने लोग डेथ थे? सबसे ज्यादा जो डेथ रेशियो है वो थर्ड क्लास में है, सेकेंड क्लास के लोग उससे कम डेथ था और फर्स्ट क्लास का उससे भी कम डेथ था, 34। ठीक है, तो पूरा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन हम पैसेंजर के क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ पी क्लास। पैसेंजर के क्लास के बेस पे हमने डेथ रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया यूजिंग टेबल, राइट। सो टोटल वी हैव 3 क्लासेस 1, 2 एंड 3। ओके, सेम थिंग यू कैन डू इन फिल्टर ऑल्सो। लेट अस से आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्टर ऑफ पैसेंजर क्लास एज वेल। सो पैसेंजर क्लास को अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फिल्टर में लगा दूंगा दिस वे, ठीक है। एंड अप्लाई ओके पे क्लिक कर दो तो पैसेंजर क्लास का फिल्टर आ जाएगा दिस वे। एंड आप राइट क्लिक करना एंड शो फिल्टर पे क्लिक कर, शो फिल्टर पे क्लिक करोगे तो साइड में एक फिल्टर बना हुआ आ जाएगा पैसेंजर क्लास का, आप देख सकते हो। तो लेट अस से आई डोंट वांट टू सी फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स, आई वांट टू चेक ओनली सेकेंड एंड थर्ड क्लास पैसेंजर। जस्ट अनचेक दिस कॉलम देन यू विल गेट ओनली 2 कलर्स दिस वे, क्लास 2 एंड क्लास 3। सो देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ क्लास 1 राइट नाउ। दिस इज द वे वी कैन मेक फिल्टर ऑफ एनी कैटेगरिकल फीचर। क्लियर? इफ आई विल क्लिक ऑन वन अगेन देन यू विल गेट पैसेंजर क्लास 1 डेटा एज वेल। तो देखो हमने सर्वाइव कॉलम पे कलर लगाना सीख लिया था, सर्वाइव कॉलर को डायमेंशन में कन्वर्ट करना भी सीख लिया है, एज किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम के बिन्स क्रिएट करने सीख लिए हैं, ठीक है। अब एक और चीज है, कई बार हम फिल्टर करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स को, बट हम ये नहीं चाहते कि वो बिन्स ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट 10 के बेस पे ले। किसी कंडीशन के बेस पे अगर लेना चाहते हो तो फिर आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हो या स्क्रिप्ट लिख सकते हो छोटी सी, जिसको हम कैलकुलेटेड फील्ड के नाम से जानते हैं।